ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आज का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और आज हम लोग बात करने वाले हैं डमी स्कूल्स के बारे में। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप सबके माइंड में हमेशा आता होगा। जो भी बच्चे जेई नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग अपने आजू बाजू सुनते होंगे कि यार कोई आपका कोई फ्रेंड होगा जो कोटा गया होगा, डमी स्कूल में पढ़ता होगा, स्कूल नहीं जाना पड़ता होगा, या फिर कोई दूसरे सिटी में किसी भी शहर में कोई स्टूडेंट होगा जो स्कूल नहीं जाता होगा, घर पे रहता होगा और जेई नीट की प्रिपरेशन करता होगा, और आप लोगों के माइंड में ख्याल आता होगा कि क्या आपको भी डमी स्कूल्स के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर आप ऑलरेडी डमी स्कूल में पढ़ रहे होगे और ये वीडियो देख रहे होगे और आपको ये मन में डाउट्स होंगे कि यार आपको किस तरीके से प्रोसीड करना चाहिए ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपके बोर्ड्स के रिजल्ट में और जेई के रिजल्ट में। ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि यार ये डमी स्कूल और ये जो रेगुलर स्कूल है इसके बीच का जो फर्क है। बेसिकली रेगुलर स्कूल आप सब लोगों को पता होता है, डमी स्कूल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में ये बात करेंगे कि क्या ये लीगल है या फिर इलीगल है। ठीक है, कई बार बच्चों को ये डाउट आता है या पेरेंट्स को ये डाउट आ सकता है कि यार क्या ये चीज़ इलीगल तो नहीं है, क्योंकि अगर आप कल को जाके अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि यार हमें ना ये डमी स्कूल में एडमिशन लेना है जहाँ पर हमें 2 साल तक स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और लास्ट में जाके हम फाइनल एग्जाम दे करके आ जाएंगे और हम IIT चले जाएंगे, तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे बक घर में पढ़ाई कर, सॉरी स्कूल में पढ़ाई कर, कहीं नहीं जा रहा तू, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि यार ये सारी चीज़ें क्या है ताकि आप उस चीज़ में जाओ या ना जाओ वो आप फिर डिसाइड कर पाओ। और लास्ट में हम इसका प्रोस एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे, क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, किस टाइप के बच्चे को, क्या आप अगर डिसाइड कर नहीं पा रहे कि आपको डमी स्कूल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो आप उसको डिसाइड कर पाओ कि हाँ ये आपके लिए है या फिर नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लोगे तभी आप अच्छा डिसीजन ले करके आगे सेफ फील कर पाओगे, सिक्योर फील कर पाओगे। अदरवाइज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो डमी स्कूल के चक्कर में अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं, उनका बोर्ड्स का भी रिजल्ट जो है वो बहुत खराब आता है। तो अच्छे से समझना मैं क्या क्या चीज़ें क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले डमी स्कूल क्या होता है, जेई नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, आप सब लोगों को पता है। तो ये डमी स्कूल का जो कंसेप्ट है कोटा से ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, कोटा में आप लोगों को पता है कि जो कोचिंग्स होते हैं उनमें 7 दिन में से 6 दिन क्लासेस होते हैं और जो 7वां दिन बचता है उसमें भी कई बार टेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मंडे टू सैटरडे आपके क्लासेस होते हैं, कभी कभार संडे को टेस्ट होते हैं, तो बच्चे जो है वो कोचिंग में पूरे पैक हो जाते हैं। डेली सुबह सुबह उनको जाना पड़ता है कोचिंग और आफ्टरनून में वो वापस आते हैं। तो ये जो कल्चर है जेई नीट का वो ये चीज़ कोटा वाले पहले से काफ़ी सालों से ये चीज़ समझते आए हैं कि यार बच्चे को टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर वो जेई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है तो, और अगर जेई नीट में बहुत ज़्यादा अच्छा लाना है तो बच्चा स्कूल में अपना जो टाइम है वो अफोर्ड ज़्यादा नहीं कर सकता वेस्ट करना। राइट, अब ये चीज़ समझो, जेई नीट का एग्ज़ाम जो आप अलग से देते हो, अब जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम है CBSE का, ISC का, या जो भी आप एग्ज़ाम देते हो वो आप अलग से बोर्ड के थ्रू देते हो। अब इसमें क्या हुआ, एक म्यूचुअल डिस्कशन होता है, इस तरीके से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बोर्ड स्कूल्स में और कोचिंग के बीच में, कि जो कोचिंग वाले हैं वो आपको पढ़ाते हैं और जो स्कूल वाले हैं वो खाली आपका एडमिशन लेते हैं और आपको बोलते हैं कि आप जाओ कोचिंग में पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, आप 2 साल बाद आ जाना हमारे पास में, अपना प्रैक्टिकल सबमिट कर देना, प्रैक्टिकल में भी वो लोग सब गाइड कर देते हैं सारी चीज़ें और आप एग्ज़ाम दे देना और आपका हो जाएगा काम खत्म। उसमें क्या होता है, स्कूल वाले को फ़ायदा ऐसे होता है कि उनको कोई भी खर्चे नहीं करने पड़े, ना उनको बहुत ज़्यादा टीचर्स रखने पड़ते हैं, आपके क्लासेस कंडक्ट करने पड़ते हैं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपकी फ़ीस उनके पास जाती है, उनका प्रॉफिट बनता है और इससे आपका भी फ़ायदा होता है कि आपको टाइम मिल जाता है पढ़ने के लिए। तो आप 2 जगह फीस देते हो जब आप कोटा जाते हो, एक कोचिंग में और एक अपने स्कूल्स में। तो स्कूल्स वाले को कुछ करना ही नहीं है 2 साल, बस आपकी फ़ीस लेनी है, क्योंकि उनका हक है, क्योंकि आपको डिग्री मिलेगी बोर्ड्स की, 12th का आप एग्ज़ाम दोगे तो उस चीज़ की उनको बस फ़ीस मिल जाएगी और आप एग्ज़ाम कंडक्ट करोगे। राइट, तो इस तरीके से पूरा का पूरा मार्केट काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। अब ये चीज़ जो दूसरे शहर के स्कूल्स हैं वो किस तरीके से इस तरीके को अडॉप्ट करते हैं मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो आप कोई दूसरे सिटीज़ में हो, ठीक है, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, कहीं पर भी हो आप, तो वहाँ पर ये डमी स्कूल कैसे चलता है, कोटा का तो आपको समझ में आ गया। तो कई जगह डमी स्कूल इस तरीके से भी चलता है जैसे कोटा में चलता है, लेकिन कई बार एक और तरीके से चलता है। जैसे कि मान लो 2 स्कूल है, एक एक्स और एक वाई, तो ये जो एक्स वाला स्कूल है ये सपोज कर लो बहुत बड़ा स्कूल नहीं है, छोटा मोटा स्कूल है, सपोज कर लो क्लास 10 तक यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, उसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है सपोज, ठीक है, तो ये जो छोटा स्कूल है बड़े स्कूल के साथ टाई अप रखता है वाई वाले स्कूल के साथ में, और जो वाई स्कूल है वो काफ़ी बड़ा स्कूल है, काफ़ी रेप्यूटेड स्कूल है सपोज, और वो रेगुलर स्कूल है। तो क्या होता है, बच्चे एडमिशन लेते हैं एक्स वाले स्कूल में, एक्स वाले को आप सपोज कुछ पैसा देते हो तो वो वाई से टाई अप रखता है, तो इससे क्या होता है, वाई का भी फायदा होता है, क्योंकि वाई वाले की जो बच्चों की कैपेसिटी थी वो सपोज
1000 बच्चों की थी, तो यहाँ से आपको 300 बच्चे वाई वाले को और मिल जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कमीशन बन जाता है वाई का, थोड़ा सा इसका बन जाता है पैसा। और आपका जो फाइनल एग्जाम होता है वो एक्स के थ्रू नहीं होता, वो आपका वाई के थ्रू होता है। आप फाइनल एग्जाम देते हो वाई वाले बच्चों के साथ में, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आता है बोर्ड का, एडमिट कार्ड, वो सब वाई के नाम पे आता है। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जो एक्स में एडमिशन लेते हैं उनको पता ही नहीं होता कि यार उनका स्कूल क्या है, उनको पता ही नहीं होता कि उनका जो फाइनल रिजल्ट आया है उस स्कूल का नाम क्या, वो भूल ही जाते हैं, क्योंकि 2 साल तो एक्स का नाम याद रखा ना, फाइनल एग्जाम देने के लिए वाई में गया। तो बहुत सारे बच्चों को अगर आप पूछोगे ना डमी स्कूल वाले कि यार तू कौन से स्कूल से पढ़ा है, वो तुरंत से आंसर ही नहीं दे पाएंगे वो, क्योंकि उनको ये वाले स्कूल का नाम ही नहीं पता, वो खाली 5 दिन के लिए एग्जाम देने गए थे। बहुत सारे बच्चों को 2-2 साल तक पता ही नहीं होता कि उनका जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो उनका फाइनल बोर्ड्स का जो रिजल्ट आएगा वो किस स्कूल के अंडर में आएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा चीज चलता है, राइट। अब लीगल इल्लीगल की बात करें तो देखो यार ये कोई क्राइम तो है नहीं, है ना, ये चीज सदियों से चला आ रहा है ना, कोटा में चला आ रहा है, और बोर्ड को भी ये चीजें पता है कि ये सारी चीजें होती है। बट एक तरह से देखा जाए तो बोर्ड का रूल है कि यार एक बच्चे को 75% अटेंडेंस देना पड़ेगा, बट यहाँ पर जब स्कूल ही एक अंडरस्टैंडिंग करके बैठा है कि हाँ ठीक है मत आओ, तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें फर्क पड़ता नहीं है। सदियों से ये चीजें चलती आ रही है और आगे भी आने वाले टाइम पर चलती जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस डमी स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं, जिससे बोर्ड को भी फायदा हो जाता है, बोर्ड का भी सेटिंग्स होता होगा, है ना, जिस भी तरीके से चीजें चलती है ये चल रही है। तो इसको ना तो इलीगल बोल सकते हैं ना तो लीगल बोल सकते हैं, बस चले जा रहा है, ठीक है। बट टेक्निकली देखा जाए तो 75% का अटेंडेंस होना चाहिए, जो कि यहाँ पर होता नहीं है। तो अब वो आपकी चॉइस है, ऐसा हो सकता है बहुत सारे फर्जी स्कूल्स जो होते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो बोर्ड कैंसिल कर देता है किसी भी टाइम पे, ठीक है, विदाउट एनी नोटिस, ये बोर्ड के पास में राइट होता है, ठीक है। तो कई बार अगर आप उस स्कूल में भी अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको थोड़ा सा सोच विचार के एडमिशन यहाँ पर लेना चाहिए, ठीक है। वरना अगर आप, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई फर्जी स्कूल हो वो 2 दिन में गायब ही हो गया, आपसे फीस ले लिया, है ना, और आप तो सोच रहे हो कि मैं तो 2 साल बाद जाऊंगा एग्जाम देने, आप घर पे बैठे रहेगा, वो स्कूल ही गायब हो गया, ठीक है, आपके एडमिट कार्ड ही आपको नहीं मिले। तो कहीं कहीं जगह आपको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है, अदरवाइज आपका जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा बर्बाद हो सकता है इस चीज़ में, राइट। अच्छा, अब इसके अलावा मान लो कि अब आपको एक कंक्लूजन पे आना है कि यार ये प्रोज एंड कॉन्स क्या है, डमी स्कूल आपको लेना चाहिए, एडवांटेज क्या, डिसएडवांटेज क्या है। तो कोटा वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है, वहाँ पर तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे बिना डमी स्कूल के, अगर आप 11th 12th में हो तो। रिपीटर जो होते हैं, जो ड्रॉपर होते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने 12th पास आउट कर लिया, लेकिन 11th वाले और 12th वाले बच्चे तो कोचिंग के साथ में डमी स्कूल उनको लेना ही पड़ेगा, कोचिंग उनकी 6 दिन होती है हफ्ते में, कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, राइट। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बच्चे दूसरे स्टेट्स में रहते हैं, दूसरे सिटीज़ में रहते हैं, उनको भी मन होता है कि यार हम भी डमी स्कूल ले लेते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई हम टाइम सेव कर लेंगे। बट वो ये चीज़ नहीं समझते कि यार जो कोटा वाले बच्चे हैं उनको टाइम की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि उनका कोचिंग ही 6 दिन होता था। अब मान लो आप दूसरे सिटीज़ में पढ़ रहे हो, आप दिल्ली में पढ़ रहे हो, बॉम्बे में पढ़ रहे हो, कहीं पर भी पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर क्या होता है, आप ये सोचते हो कि भाई हम टाइम बचा लेंगे, ठीक है। ये कुछ बच्चों के लिए अच्छा भी होता है, कुछ के लिए बुरा भी होता है, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप डिसीजन ले पाओ। अब होगा क्या इसमें, आपका तो कोचिंग 6 दिन नहीं होता, आपका तो कोचिंग सैटरडे संडे को होता है, या फिर वीकडे में 2-3 दिन होता है। अगर आप फिटजी के स्टूडेंट हो तो यार उनका सिस्टम रहता है कि आप या तो इवनिंग क्लासेस करोगे, या तो आप वीकेंड क्लासेस करोगे 6-6 घंटे के, या फिर आप वीकली क्लासेस करोगे 4-4 घंटे के 3 बार, या तो आप वीकेंड करोगे 2 बार 6-6 घंटे के, इस तरीके का। तो वहाँ पर क्या होता है, आप खाली हो जाते हो, आप वेल्ले हो जाते हो, ठीक है। अब यहाँ फ़ायदा उन बच्चों को होता है जो पढ़ने में बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आप खाली हो गए, कोचिंग आपका 6 दिन होगा नहीं, स्कूल आपका है नहीं, राइट। तो यहाँ जो है प्रोज एंड कॉन्स निकल करके आती है, बहुत सारे जो बच्चे हैं इस चीज़ में डूब जाते हैं, अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं, बोर्ड्स में भी उनकी ऐसी तैसी हो जाती है, और बहुत सारे बच्चे इसका फायदा करके बहुत आगे भी निकल जाते हैं। तो समझने का ट्राई करना इसके प्रोज एंड कॉन्स। सबसे पहले जो एडवांटेज है डमी स्कूल का, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो क्या है कि आपको टाइम मिल गया। टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा है इस दुनिया में, है ना, टाइम की कीमत आपको होनी चाहिए, और अगर आप डमी स्कूल लेते हो तो टाइम आपका बहुत ज़्यादा सेव होता है। अगर आप जेई नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपना टाइम उस जेई नीट के एग्जाम में लगा सकते हो, ताकि आपका वहाँ रैंक इतना बूस्टअप हो जाए कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छा पैकेज ले पाओ, बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ पाओ, एंड आपका पूरा का पूरा लाइफ सिक्योर होगा। तो ये छोटा सा डिस्कशन जो है, ये छोटा सा जो डिसीजन है, ये आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा आगे मैटर करता है। ऑन दी अदर हैंड, यही छोटा सा डिसीजन अगर आपके ऑपोजिट चला गया तो यही चीज़ फ्यूचर में आपको ना अच्छा कॉलेज मिलेगा, ना आपके बोर्ड्स में अच्छे आएंगे, आपको फिर बोर्ड्स में भी कंपार्टमेंट देना पड़ेगा, एंड आपकी पूरी लाइफ में ऐसी तैसी हो सकती है।
ठीक है, तो सबसे एडवांटेज क्या है, टाइम मिल जाता है, लेकिन टाइम को यूटिलाइज करना आना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, आप स्कूल के झंझट से दूर हो जाते हो। स्कूल में क्या बहुत सारे झंझट है, ये लिखो वो लिखो, फाइल जमा करो, ये डेट है, ये यूनिट टेस्ट है, ये हाफ ईयरली टेस्ट है, ये फाइनल टेस्ट है, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें हैं। अटेंडेंस का झमेला होता है, टीचर प्रेशर देता है कि यार आप स्कूल नहीं आए, अटेंडेंस आपका कम है, आपको बोर्ड में बैठने नहीं देंगे, आपको एडमिट कार्ड नहीं देंगे, आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, प्री बोर्ड देना पड़ता है, फलाना ढिमका। स्कूल के टीचर्स को पसंद भी नहीं आता अगर आप जेई वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हो ना, तो अगर आप उनके सामने अगर उनको दिख जाए ना कि आपके कोचिंग के मटेरियल से आप कुछ पढ़ रहे हो, तो वो आपको ताना भी मारते हैं बहुत बार। सारे टीचर्स स्कूल के अंडरस्टैंडिंग इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, समझ रहे हो ये चीज़। तो ये सारे झंझट से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, जिससे आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, जो आप फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि अरे यार हम स्कूल का भी पढ़े और इसका भी पढ़े, कैसे करे क्या करे फलाना ढिमका, और दो साल में फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो उनका कुछ भी नहीं होता, ना स्कूल में बहुत अच्छा होता है ना वहाँ पे बहुत अच्छा होता है। तो इस फ्रस्ट्रेशन से आप दूर हो जाते हो, इस झंझट से, झोलझाल से आप दूर हो जाते हो, और आपका पूरा का पूरा फोकस एक जगह रहता है, क्योंकि एट दी एंड इलेवंथ के मार्क्स मैटर नहीं करते। इलेवंथ में तो वो तो कुछ भी हो जाए, आप पास भी कर लो, या बहुत सारे स्कूल तो इलेवंथ में ऐसी मार्क्स बिठा देते हैं, इंटरनल होता है, जो होता है आपका ट्वेल्थ का होता है, ट्वेल्थ का आपका प्रैक्टिकल, ट्वेल्थ का आपका बोर्ड्स, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वही मार्क्स आपके आगे काम आते हैं। तो जो दो साल की जो जर्नी आप डेली डेली स्कूल जा रहे हो, टेक्निकली सोचो अगर आप में वो कैपेबिलिटी है कि भाई मैं वो पढ़ाई खुद ही कर सकता हूँ, क्योंकि उसका आपको पता है कि यार वो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता। अगर आप जेईई नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन ज़्यादा टफ नहीं है, तो अगर आप वो आप खुद ही कर सकते हो तो दो साल का आपका टाइम बच रहा है। ठीक है, कोई हजार साल नहीं जीता इंसान, इंसान जीता है 60-70-80 साल, उसमें अगर दो साल बच रहा है तो आप रेशियो निकालो, बहुत बड़ा टाइम आपका बच रहा है, क्योंकि आप डेली डेली जो स्कूल जाते थे आते थे वो सारा टाइम आपका सेव हुआ, एनर्जी आपकी सेव हुई। बट उस एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना आना चाहिए, ये नहीं कि उल्टे पुल्टे काम कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा, अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या होता है, बोर्ड्स में ना काफ़ी बच्चों के लग जाते हैं इस चीज़ में। कैसे लगते हैं, वो क्या होता है, वो जेई के लिए पढ़ने लग जाते हैं ना जब, तो वो पूरा का पूरा बोर्ड वाली चीज़ को भूल ही जाते हैं, क्योंकि बोर्ड में चीज़ें आती है थ्योरेटिकल, वहाँ पर आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं, वहाँ पर इतना प्रैक्टिकल नहीं होता ना, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होता ना कि हाँ ऑब्जेक्टिव दे दिया, एमसीक्यूज दे दिया, चार में से एक ऑप्शन चूज करना है, इतना ज़्यादा लॉजिकल नहीं होता। ठीक है, तो बोर्ड में क्या होता है, थ्योरेटिकल चीज़ें होती है, थ्योरी आपको पढ़नी पड़ती है, और उसके बेसिस पे आपको लिखना पड़ता है, लिटरेचर आपको लिखना पड़ता है, एसे लिखना पड़ता है, लेटर राइटिंग लिखना पड़ता है, कॉम्प्रिहेंशन करना पड़ता है, सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस में भी अगर आप यहाँ पर न्यूमेरिकल कर रहे हो तो वहाँ पर आपको डेरिवेशन करके दिखाना पड़ता है, जो कि बोर्ड्स में आपको डेरिवेशन आते हैं, जेई में आपको कभी भी डेरिवेशन नहीं आएगा कि यार ये फॉर्मूला को आप डिराइव करो, राइट, वहाँ पर एप्लीकेशन आता है। तो ये चीज़ें क्या होता है, बच्चे डिटैच हो जाते हैं इस चीज़ों से, क्योंकि बच्चे फिर कोचिंग में पढ़ने लगे, और सबसे जो हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है वो होता है केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री आपका जो मार्क्स इतना बूस्टअप करता है, उस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना बहुत ज़रूरी है जेई में भी, राइट। तो अब होता क्या है, बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ने की वजह से बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं थ्योरेटिकल, जैसे कि फिजिक्स में सेमी कंडक्टर्स हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री में रटने वाले बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, ठीक है, हाइड्रोजन, ये सारे चैप्टर्स जो होते हैं जो आपको याद करने रहते हैं बहुत सारे, पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, ये सारे बच्चे जो है बोर्ड्स, जब बोर्ड का एग्जाम देते हो ना तो इन सारे चैप्टर्स का महत्व समझ में आता है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन सारे चैप्टर्स का महत्व समझ में आता है, और उसका जो वेटेज है वो जेई मेन में भी आपको दिखता है। ठीक है, अगर हम जेई मेन की बात करें तो आपका जो सिलेबस आता है, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, अगर कोई बच्चा बोर्ड का भी बहुत अच्छे से कर लेगा ना तो जेई मेन वो क्रैक कर सकता है, अगर वो बोर्ड का भी पूरा कंटेंट अच्छे से याद कर ले, समझ ले, है ना, कंसेप्ट समझ ले, ठीक है, और मेमोराइज करने वाली चीज़ें मेमोराइज कर ले, या बोर्ड लेवल के, एनसीईआरटी लेवल के भी अगर आप क्वेश्चंस करके जाते हो तो भी आपके चांसेस है कि आप जेई मेन क्रैक कर ही लोगे। फिर उसको अच्छा मार्क्स में कन्वर्ट करने में वो एक एफर्ट लगता है, बट हाँ, क्रैक करने जितना बोर्ड से भी हो सकता है। अब होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड्स के लिए भी सही से नहीं पढ़ते, तो इसके वजह से क्या होता है, उनका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो एकदम कमज़ोर हो जाता है। थ्योरेटिकल पार्ट कमज़ोर होने की वजह से उनको ये चीज़ रियलाइज़ कब होती है, जब बोर्ड एग्जाम उनका आ जाता है, दो साल बाद उनको रियलाइज़ होता है कि यार उनकी थ्योरेटिकल चीज़ें तो उनने पढ़ी नहीं है, तो उस रियलाइजेशन की वजह से फिर उनको डर लगने लगता है कि यार कहीं मैं बोर्ड्स में फेल ना हो जाऊँ। रियलिटी वाली बात बता रहा हूँ, आप लोग ऐसा लग सकता है कि अरे यार ये तो बोर्ड में फेल थोड़ी होगा कोई, बट बहुत सारे बच्चे जो सफ़र करते हैं बोर्ड में फेल होते हैं, कोई 100% रिजल्ट्स नहीं आता है बोर्ड का, अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने बच्चे बोर्ड में भी फेल होते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोर्ड में फेल हो जाते हैं। ठीक है, वो मुश्किल से वो 30 नंबर ला पाते हैं, जो कोचिंग में पढ़ने वाले बच्चे मैंने देखा है, मैंने ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे मेरे फ्रेंड सर्कल में भी रह चुके हैं, ठीक है, जिनके मैथ्स में 100 में से 30-30 नंबर, 33-33 नंबर आए थे, जस्ट पास हुए थे वो, जो कोचिंग में 1-1 लाख रुपए दे के जेई का पढ़ रहे थे, और लास्ट में वो ना घर का रहे ना घाट का रहे, दोनों का ही उनका कुछ नहीं हुआ, ना जेई में हुआ ना उसमें कुछ हुआ।
इसके भी ऊपर एक बात आती है जो 75% की आपकी जो डेडलाइन है, ठीक है, जो 75% आपको लाना ही रहता है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चों के 75 से कम आ जाते हैं इन सारे स्कूल्स के वजह से, ठीक है, क्योंकि स्कूल्स की गलती नहीं है, गलती बच्चे की है। बट हुआ क्या कि स्कूल में जब आप रहते हो तो आप पढ़ते हो उस चीज़ का, आपको टीचर वही चीज़ सिखाता है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको ज़्यादा आने लग जाती है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो। लेकिन जब आप खुद से पढ़ते हो तो कई बार आप थ्योरेटिकल वे को पूरा छोड़ के पूरा का पूरा न्यूमेरिकल अप्रोच में चले जाते हो और लास्ट में फिर आप पजल हो जाते हो, क्योंकि बोर्ड का भी कंटेंट अच्छा खासा है, लेवल कम है बट कंटेंट अच्छा खासा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो 75% का डेडलाइन है वो भी कम हो जाता है, तो और आपके लग जाता है। अगर आप जेई क्रैक भी कर लेते हो तो भी आपका यू नो NIT में IIT में सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपके जो 75% के क्राइटेरिया थे वो आप फुलफिल नहीं करते हो, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके और एक चीज़ें हैं। एक तो आपके जो केमिस्ट्री वाले सब्जेक्ट्स के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के मैंने आपको लॉजिक समझाया, एक लॉजिक इसमें और है। ये ऐसा देखा गया है कि जो ऐसे स्कूल्स होते हैं ना, जो डमी स्कूल्स होते हैं, इनके ना जो पेपर चेक करता है ना जो टीचर, कई बार ऐसा होता है कि वो उसमें थोड़ा सा घपला हो जाता है, मतलब वो सही जगह से चेक नहीं होता, ऐसे ही आड़ू पाड़ू किसी भी टीचर से वो चेक हो जाते हैं। जैसे कि आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन हो गया, जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है, जो आपके एडिशनल पांचवा जो सब्जेक्ट होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो आपके मेन मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो ठीक चेक होकर के आते हैं, लेकिन जो पांचवा सब्जेक्ट है उसमें अनएक्सपेक्टेड मार्क्स मिलता है। इंग्लिश, कई बार इंग्लिश में अनएक्सपेक्टेड मार्क्स मिलता है, फिजिकल एजुकेशन में कई बार अनएक्सपेक्टेड मार्क्स मिलता है। तो आपको वो अपने माइंड में सोच के रखना पड़ेगा कि अगर आप 90 सोच रहे हो तो आप 80 तक आ सकता है आपको, ये आपको सोच के रखना पड़ेगा पहले से, थोड़ा सा बैक ऑफ द माइंड। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि भाई मैं 77 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो आपको 77 ही मिले, ऐसा हो सकता है आप 77 एक्सपेक्ट करोगे तो आपको 72 मिलेगा, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आने की वजह से आपका रेशियो पूरा बिगड़ जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें समझना, ठीक है। अब हम लोग धीरे धीरे जाते हैं इस टॉपिक पे कि यार आपको डमी स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है, हैंडराइटिंग। कोई भी बच्चा अगर बोर्ड्स में अच्छा करना चाहता है तो आँख बंद करके मेरी बात मान लो कि आपको हैंडराइटिंग अपना बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो बहुत ही गंदे हैंडराइटिंग से लिखते हो, क्या क्या है, ठीक है, तो आपके लिए डमी स्कूल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके लिए वैसे तो जो रेगुलर स्कूल है वो भी आपके लिए थोड़ा सा नुकसान ही है, क्योंकि आपको बोर्ड्स में अच्छा हैंडराइटिंग मैटर करता है। आप देखोगे सेम चीज़ दो बच्चा लिखेगा, एक का हैंडराइटिंग सुपर ऑसम है और एक का हैंडराइटिंग बहुत गंदा है, तो थोड़े मार्क्स उस सुपर ऑसम वाले बच्चे को जिसके हैंडराइटिंग अच्छी है उसको थोड़ा मार्क्स ज़्यादा मिल ही जाता है। ये एक साइकोलॉजी, आप समझने का ट्राई करो कि अगर आप भी चेक करोगे तो आप वो जो अच्छा हैंडराइटिंग में जो चीज़ लिखा है उसको थोड़े से ज़्यादा मार्क्स मिल ही जाते हैं, ठीक है। अगर आप 3 में इसको 2 दे रहे हो गंदे वाले को तो इसको आप 2.5 दे ही देते हो, ठीक है। वो एक इफेक्ट आ जाता है जब चेक करते हैं कोई इंसान तो उस टाइम पे, तो इस वजह से आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। दूसरा ये मैटर करता है कि आप खुद से कितना अच्छे से डिसिप्लिन वे में पढ़ सकते हो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो खुद से डिसिप्लिन वे में नहीं पढ़ सकते, आपको कोई ना कोई चाहिए, है ना, चलाने के लिए आपको कोई ना कोई चाहिए मारने वाला, कि आप मारेंगे आपको तभी आप पढ़ोगे या फिर आपको टोकेंगे तभी आप पढ़ोगे। जैसे कि कोचिंग वाले आपको टोकते हैं कि आप क्लास आओ वरना आपके घर में इन्फॉर्म कर देंगे, मैसेज भेज देते हैं वो लोग कि अटेंडेंस नहीं लगी आपके बच्चे की। इस तरीके के प्रेशर वाले अगर आप स्टूडेंट हो जो प्रेशर में ही पढ़ सकता है तो आपके लिए डमी स्कूल बिल्कुल नहीं है। अगर आप थियोरेटिकल सब्जेक्ट से दूर भागते हो तो आपके लिए डमी स्कूल बिल्कुल नहीं है। एक और डिसएडवांटेज है जो मैं मिस कर गया पहले, डिसएडवांटेज ये है कि जब आप कॉलेज में जाते हो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, जो आप प्रैक्टिकल्स आपको करने को मिलते हैं, तो अगर आप 11th 12th में डमी स्कूल में पढ़ते हो तो आपका प्रैक्टिकल से टच छूट जाता है। जो लैब के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में, उससे आपका पूरा का पूरा टच छूट जाता है। तो इसके वजह से आगे आपको दिक्कत आती है जब आप कॉलेज में जाते हो तो आपको डर लगने लगता है लैब में जाने से। बहुत लोगों के साथ होता है, आपको डर लगने लगता है, आप सोचते हो कि अरे यार ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट है, कैसे करेंगे क्या करेंगे। लेकिन अगर वही बच्चा 11th 12th में थोड़े बहुत प्रैक्टिकल स्कूल में कर रहा है, क्योंकि स्कूल में जो नॉर्मल क्लासेस होती है उसमें लैब के भी क्लासेस होते हैं वीकली, तो उसमें टीचर उनको सिखाता है कि यार ये ऐसे होता है ये ऐसे होता है, तो आपको कम से कम केमिकल डालना वालना आता है, आपको मेजर करना आता है स्क्रू गॉज से फलाना ढिमका। लेकिन वो सारी चीज़ें एक बच्चा जो 2 साल पढ़ा ही नहीं है स्कूल में, उसको तो प्रैक्टिकल में भी मदद मिल जाती है। जब आप ऐसे डमी स्कूल से पढ़ते हो तो प्रैक्टिकल में भी आपको हेल्प मिल जाती है, ज़्यादा कुछ झमेला नहीं होता, छापने वापने को मिल जाता है, राइट। तो आपका पूरा का पूरा टच छूट जाएगा जो आपको आगे जाके दिक्कत देगा कॉलेज में भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैनेज करना आना चाहिए, आप में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि चल ठीक है 2 साल मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया है फिर भी मैं सीख लूँगा कम से कम अच्छे से, ताकि आगे दिक्कत ना हो। किसी भी तरीके से आप कोशिश करके सीख पाओ, जुगाड़ लगा के कहीं से भी सीख पाओ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, अगर आप डिसिप्लिनड हो, थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो खुद से, अगर आप रेगुलर हो, है ना, अगर आपकी हैंडराइटिंग सही है, ये चीज़ मैंने बता दिया, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास में है
और प्रैक्टिकल का आपको कॉन्फिडेंस है कि आप आगे जाके कर लोगे, प्लस जो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि आपका जो माइंड है वो डल हो जाता है, बिकॉज अगर आप कोटा में पढ़ रहे हो तो आप रेगुलर रहोगे कोचिंग्स में, लेकिन जब आप दूसरे सिटीज में हो तो आपके पास में वो रेगुलरिटी नहीं है, डेली डेली कुछ करने को नहीं है, 10 दिन पढ़ोगे, 20 दिन पढ़ोगे, 2 महीना पढ़ोगे, फिर आप बोर हो जाओगे। तो अगर आप एक वैसे इंसान हो जो अपने आप को एक्टिव रख सकते हो, क्योंकि 2-3 महीने बाद आपका माइंड डल हो जाएगा, वो जेई के अलावा और कुछ सोचेगा ही नहीं। स्कूल जाते हो, 10 लोगों से मिलते हो, थोड़ा खेलते हो, थोड़ा कुछ अलग अलग पीरियड होते हैं, इंग्लिश होता है, थोड़ा कुछ और होता है, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता, लास्ट में वो फिर स्ट्रगल करते हैं कि यार इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, ठीक है, इंग्लिश में इतने सारे चैप्टर्स होते हैं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो लास्ट में ख़त्म करने की क्षमता रखते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया डमी स्कूल। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको पता है कि भाई लास्ट में मेरे से नहीं होगा इतना कुछ, कोई मजाक की बात नहीं है ना, इंग्लिश में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत कुछ आपको याद करना रहता है, सॉल्व तो करना नहीं है कि फॉर्मूला डाला और एप्लीकेशन डाला, लॉजिक लगाया, सॉल्व हो गया, ऐसा नहीं होता। तो ये सारे फैक्टर्स को आपको कंसिडर करना पड़ेगा, प्लस आपका जो टारगेट है वो 90 होना चाहिए। अगर आप 80 एक्सपेक्ट कर रहे हो ना तो आपका पोटेंशियल 90 वाला होना चाहिए, ठीक है, तब आप उस चीज़ में सेफ रहते हो कि आपका 75 से तो ऊपर ही आएगा, वरना उसमें भी आपके लग जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स ध्यान में रखना जो भी मैंने आपको बोला है, और इसके बाद आप डिसीजन लेना कि आपको डमी स्कूल चाहिए या फिर नहीं चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी एक डमी स्कूल में हो तो अच्छे से पढ़ो, जो जो चीज़ें मैंने बताई है वो आपके अगेंस्ट जा सकती है, उसको अच्छे से आप करो। और अगर आप एक रेगुलर स्कूल में भी हो तो ऐसे स्कूल में आप ट्राई करो एडमिशन लेने का, अगर आप लेने वाले हो, जिसका टाइमिंग बहुत बढ़िया हो, है ना, जो आपको पूरा दिन आपका वेस्ट ना हो वहाँ पे। सपोज़ कर लो सुबह 8 बजे स्टार्ट होके 12 बजे तक ख़त्म हो जाए, तो आपको एक टाइम मिल जाता है अच्छा खासा पढ़ने का या फिर ट्यूशन वगैरह जाने का, या फिर आप किसी ऐसे स्कूल में एडमिशन ले पाओ जो रेगुलर तो है लेकिन अटेंडेंस का बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर ना हो, ठीक है, कुछ इस तरीके की आप चीज़ करके अपने लिए फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। बाकी यही बात है यार, अच्छे से समझो इस चीज़ को, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, और अगर आप आगे कहीं ज्वाइन करते हो इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आप कुछ डिसीजन लेते हो तो वो भी ज़रूर बताना, हालाँकि एट योर ओन रिस्क, ठीक है, ये चीज़ मैं वापस से कह रहा हूँ, एट योर ओन रिस्क, क्योंकि बहुत लोग इसमें बर्बाद भी होते हैं, बहुत लोग इसमें आगे भी निकल जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपने इसको सीखा होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।